आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में दिया गया है कि न्यूटन के शीतलन के नियम से शीतलन की दर होती है। इसके लिए हमें चार विकल्प दिया गया है। पहला ए में दिया गया है पिंड तथा वातावरण के परम ताप के चतुर्थ घात के अंतर के अनुक्रमानुपाती। बी में दिया गया है पिंड तथा वातावरण के तापांतर के अनुक्रमानुपाती। सी में दिया गया है पिंड तथा वातावरण के तापांतर के युत्क्रमानुपाती। और डी में दिया गया है पिंड तथा वातावरण के परम ताप के वर्ग के अंतर के अनुक्रमानुपाती। न्यूटन का जो शीतलन नियम है, उन्होंने यह बताया कि जब कोई वस्तु को, किसी गर्म वस्तु को किसी वातावरण में रखते हैं तो कुछ समय बाद उस वस्तु का जो तापमान है वातावरण के तापमान के बराबर हो जाता है। इसी का अध्ययन करके न्यूटन ने शीतलन का नियम दिया। तो इसके नियम के अनुसार यदि हम देखें तो न्यूटन ने यह ज्ञात किया कि किसी वस्तु तथा उसके परिवेश का तापांतर यदि कम हो तो वस्तु के शीतलन की जो दर है वस्तु और तथा और वस्तु और परिवेश के तापांतर के यह क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। तो इस प्रकार से न्यूटन ने यह नियम दिया। माना कि कोई वस्तु का यहाँ पे ताप T है तथा जो परिवेश है अर्थात जो वातावरण का ताप यदि यहाँ पे T नॉट है, तो यदि कोई जो वस्तु जो है यहाँ पे गर्म वस्तु है यहाँ पे dT समय में क्या कितनी ऊष्मा छोड़ती है, यदि वह dQ ऊष्मा छोड़ती है। तो हम देखते हैं तो न्यूटन के शीतलन के नियम के अनुसार हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो यहाँ पे जो शीतलन की दर है अर्थात डी क्यू बाई डी टी, तो यहाँ पे यहाँ क्या हो रहा है, उसमें जो कम हो, इस कारण से हम इसे ऋणात्मक लिखते हैं। तो यह क्या हो, किसके अनुक्रमानुपाती होगा, यहाँ पे जो है वस्तु के तापमान तथा जो परिवेश का तापमान है अर्थात इसके तापांतर के क्या होगा, यह अनुक्रमानुपाती होता है। तो इस प्रकार से न्यूटन ने यह सूत्र दिया। तो इसके अनुसार से यदि हम विकल्पों को देखें तो पहला विकल्प में क्या दिया था, पिंड तथा वातावरण के परम ताप के यह चतुर्थ घात के अंतर के अनुक्रमानुपाती होते हैं। चतुर्थ घात तो ऐसा नहीं है तो ये गलत होगा। बी में दिया था पिंड तथा वातावरण के तापांतर के अनुक्रमानुपाती। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि यह पिंड के ताप, हमने क्या देखा, यह पिंड के ताप तथा जो वातावरण अर्थात जो परिवेश के तापांतर के यह क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। अतः विकल्प बी जो है यहाँ पे सही होगा। और हमें सी में दिया गया था कि पिंड तथा वातावरण के तापांतर के युत्क्रमानुपाती होती है, जो कि गलत होगा। डी में दिया है पिंड तथा वातावरण के परम ताप के वर्ग के अंतर के अनुक्रमानुपाती होती है, तो यह भी गलत होगा। इस प्रकार से जो इस प्रश्न का सही विकल्प सिर्फ बी होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।